सागर में सिस्टम को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ रेलवे के टीसी पर आरोप है कि उसने दिव्यांग महिला यात्री के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ गुना से सागर के लिए निकली थी, जहाँ से उसे आरोपी टीसी राजू लाल मीणा की हैवानियत का शिकार होना पड़ा। पुलिस की माने तो महिला के पास टिकट नहीं था, इसका फायदा उठाकर आरोपी उसे अपने कमरे पर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। 4 तारीख को पीड़िता गुना से यहाँ पर सागर के लिए निकली थी, जो ट्रेन छूटने कारण से टिकट नहीं ले पाई थी। उसका हस्बैंड वहीं स्टेशन पर छूट गया था, तो वो बिना टिकट के ही सागर आ गई थी। सागर स्टेशन पर उतरी तो वहाँ पर आरोपी गौरव से टिकट पूछा गया, तो टिकट न होने पर बोले कि आपको जुर्माना लगेगा और उसे बोले कि आपको साहब बुला रहे हैं, वहाँ चलना पड़ेगा छुट्टी है। तो वो अपने वहाँ पर साथ ले गया और उसको वहाँ पर पीड़िता के साथ में जबरदस्ती गिरफ्तार किया। आरोपी कौन है और उसकी गिरफ्तारी हुई है? अभी आरोपी की तलाश की जा रही है, जैसे ही मिलता है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपी है कौन? आरोपी है राजू लाल मीणा। उसकी तलाश पता चल के पूरे प्रयास किया जा रहा है, जैसे ही मिलता है वैसे उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब इसमें 363, 376 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दरअसल महिला और उसके पति को गुना से सागर भागलपुर एक्सप्रेस से आना था, लेकिन पति गुना में ही छूट गया। ट्रेन रात को 8:15 में सागर पहुंच गई। आरोप है कि सागर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरते ही ड्यूटी कर रहे टीसी राजू लाल मीणा ने महिला का टिकट मांगा। महिला ने टिकट नहीं होने पर पति की गुना स्टेशन पर छूट जाने की बात कही। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को बड़े साहब के पास ले जाने की बात कही और धमकी दी कि अगर वह नहीं जाएगी तो जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद आरोपी टीसी महिला को अपने रेलवे क्वार्टर ले गया और इसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया। सागर से शिवम कुशवाहा की रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।